Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see current feelings of your person. तो यहाँ पे बहुत सारी new चीज़ें करेंगे. Dice है यहाँ पे, initials है, सब check करेंगे क्या है इनके मन में, भी क्या चल रहा है. वो है ring. Second one is this Taurus. तो आप किसी Taurus के साथ deal कर रहे होंगे maybe, या फिर आपको पता नहीं होगा इसका sun sign Taurus है. Okay, sun moon rising cusp में कहीं ना कहीं Taurus आता होगा. तो आप देख लीजिए एंड अपना पाइल पसंदीदा सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो पूरा वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी ये रिंग चूज किया था, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो. पाइल नंबर वन के लिए जो भी देख रहे हो, दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड. और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये इंसान आपको रिंग देना चाहता है, रिंग डालना चाहता है. एंगेजमेंट हो गए, टूट गई होगी आपकी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. तो ये इंसान वापस आ सकते हैं, ये आपको एक रिंग देना चाहते हैं. इन्होंने आपके लिए कोई रिंग सेलेक्ट किया होगा. ओके, आप काफ़ी टाइम से कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये अब आपको प्रपोज करने वाले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे विद द रिंग. ओके, इनके इनिशियल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है इनका इनिशियल. एम इनका नाम में आता होगा, आई गेस आपको दिख रहा है. एल आता होगा, के आता होगा. ओके, ये सारे इनके इनिशियल्स हो सकते हैं. बाकी डाइस के थ्रू देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है. यूनिकॉर्न, ये इंसान बहुत साइकिक है, कोई टैरो रीडर, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है. एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी में कुछ करते हो, एंजल्स के साथ काम करते हो, गार्डन एंजल्स के साथ कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम करते हैं. रेकी हीलर हो सकते हैं, एनर्जी हीलर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी. डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं. हीलिंग के प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. या फिर इनको आपके साथ हीलिंग फील होती है आपकी बातों से, वॉट एवर यू से. देखिए यहाँ पे फिर से क्यूपिड हिट हो गया है. ठीक है, तो इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है. दिस पर्सन जस्ट लव्स यू. ओके, क्यूपिड ने इनको हिट कर दिया है. ये अब आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं. इनको आपसे प्यार हो रहा है. ओके, धीरे धीरे. सैटर्न, इनका सनसाइन में कैप्रिकॉर्न आता होगा कहीं ना कहीं. आपकी साढ़े साथी, इनकी साढ़े साथी चल रही होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, जो भी है, सैटर्न है यहाँ पे. तो सैटर्न आपको बहुत डिसिप्लिन सिखाता है कहीं ना कहीं. तो ये बंदा बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकता है, तरीके से रहता होगा. ये सुबह उठना, अपनी चीज़ें टाइम से करना, एक्सरसाइज करना, अपना काम करना. ठीक है, अपनी चीज़ों पर कॉन्सनट्रेटेड रहना, अपने काम पर स्पेशली फोकस्ड होगा ये बहुत ज़्यादा. आप हो सकते हो, ये सब आप दोनों की आदतें सेम हो सकती है. ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो आपको हीलिंग फील होगा. ओके, ही विल बी लाइक, इसका ऑरा वाइट होगा. जब आप इसको दूर से भी देखेंगे, पास से भी देखेंगे, इसको देख के आपको हीलिंग फील आती होगी, हील्ड फील होता होगा. बट कहीं ना कहीं ये इंसान मैरिड हो सकता है, इट्स पॉसिबल. आपका पहला कार्ड है ऑकवर्ड. इनको चेक शर्ट्स पहनने का बहुत शौक होगा, आपने देखा होगा इनको चेक शर्ट में. ब्लू कलर का चेक शर्ट हो सकता है, ऐसे ब्राउनिश में हो सकता है, ब्लू कलर इसमें इंक्लूडेड होता हो, ऐसा कुछ समथिंग. इनके हल्के फुल्के ब्राउनिश बाल हो सकते हैं, आंखें भूरी हो सकती, कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है. जो भी है, इस इंसान के साथ कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स आपने देखा है, कुछ भी एनीथिंग यू नो डिफ़िकल्ट देखा है. यू नो इसके साथ डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे ख्याल से. आपको बहुत मुश्किलताएँ होती होंगी कि भाई बात नहीं बन पा रही है, आप जो इससे मांग रहे हो वो आप, ये आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठ रही हैं. ओके, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है. ऑकवर्ड पोजिशन में रिलेशनशिप अभी पड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, गोस्ट किया हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. काफ़ी आपको डिफ़िकल्टी लगता है, आप कन्वीनियंट नहीं हो इस इंसान के साथ, ये बंदा कन्वीनियंट नहीं है. इस रिलेशनशिप में आपको हमेशा जब भी आप डील करते हो, आपको प्रॉब्लम्स, वरीज लगता है, एम्बेरसमेंट्स होते होंगे, ये आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते होंगे कहीं ना कहीं. बिकॉज ये इंसान बहुत स्टबन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं. अभी इनकी फीलिंग्स भी यही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी है, ज़िद करते हैं, सुनना नहीं चाहते. जो ये बोलते हैं वो सही है, ऐसा ही पोर्ट्रे करते होंगे. और आप भी ऐसे हो सकते हो, ज़िद्दी हो सकते हो, आप भी सुनना नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे के लिए सुनना नहीं चाहते कहीं ना कहीं. ठीक है,
जो भी हो, स्टबर्न हो भी तो भी ये इंसान इनडिसाइसिव है। अभी इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, मुझे लग रहा है आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो कहीं ना कहीं। और ये बंदा इनडिसाइसिव है, इसको पता नहीं है, इसको बताना क्या है आपको, इसको बोलना क्या है। इसको ये भी नहीं पता होगा शायद कि आपसे लव करता है, आपने इसे पूछा होगा कि डू यू लव मी और नॉट, तो ये एक क्लियर आंसर नहीं दे रहा होगा आपको। ही डजंट गिव यू अ क्लियर आंसर, इसको खुद ही नहीं पता ये लव है कि क्या है। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज, दिस पर्सन कैन बी अ बिजनेस पर्सन, बिजनेस मैन हो सकते हैं। अनकम्फर्टेबल, अभी इनकी फीलिंग्स बहुत अनकम्फर्टेबल हैं, इनको बहुत बुरा लगता है आपको हर्ट करने के बाद, इनको बहुत ज़्यादा फील होता है, इनको रोना आता होगा, ऐसे ही अपने सर पे हाथ रख के बैठे रहते होंगे, आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, इनकी बियर्ड हो सकती है, इनकी ऐसी आईज हो सकती है, कम्प्लेक्शन फेयर ही दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इंसान बहुत अनकंफर्टेबल है, इनको समझ नहीं आता इस रिश्ते का करें क्या, बट कहीं ना कहीं ये बंदा आपसे बहुत पॉजेसिव फील करता है, ठीक है। आप किसी और से बात करोगे तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। अगर आप किसी के पोस्ट को लाइक कर देते हैं, हार्ट्स दे देते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर आप किसी और से बात करें इसको पसंद नहीं होगा। ये कंट्रोलिंग बंदा है, कंट्रोल करना चाहता है आपको, पॉजेसिव है ये, आपको किसी और के पास जाने भी नहीं देगा। ओके, वेरी वेरी यू नो, आपको अपने पास रखना चाहता है किसी भी हालत में। ओके, चाहे कुछ भी हो, दिस पर्सन वॉन्ट यू टू बी विद देम। ओके, इन्होंने आपको बहुत सारे हिंट्स भी दिए होंगे कि आपके लिए बहुत पोजेसिव है ये, आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको लेके। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल, देखिए आपका रिलेशनशिप में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, इस इंसान ने आपको 7 साल वेट कराया होगा, 7 महीने से वेट करा रहा है ये बंदा, ठीक है। इसीलिए ये ऑकवर्ड मोमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप इसके साथ चाहते हो बिल्ड होना, आप इसके साथ ग्रो होना चाहते हो, बट ये अपने कॉइन्स पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम, इसको ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनने का बहुत शौक होगा, आप ब्लैक आपका फेवरेट, इसका फेवरेट, ये जिम जाता होगा ब्लैक कलर की टी शर्ट में, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसको ब्लैक कलर अर्थ, इसको ये ग्राउंडिंग ये सब बहुत पसंद होगा, इसको ये गार्डनिंग करने का बहुत शौक होगा, ग्राउंडेड बंदा है ये, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये आपको वेट कराता है बहुत ज़्यादा, ये वेट कर रहा है एक राइट टाइम का कि ये इस ऑकवर्ड मोमेंट से निकले, अपने पेंटिकल्स पे काम कर ले, अपनी सेविंग्स पे काम कर ले। ओके, बहुत फ्रस्ट्रेशन है इसको अपने काम से रिलेटेड, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, बट अभी इनकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकती हैं, इनके काम में दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, इनके थर्ड आई चक्रा में आप 24/7 घूमते हो कहीं ना कहीं। ओके, ये अवेकन बंदा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मेडिटेशन नहीं करता है, वेकेंट नहीं है, बट ये डिसाइड नहीं कर पाता आपको लेकर। इसके फेस में कहीं ना कहीं तिल हो सकता है, जो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, मस्सा हो सकता है, यहाँ पे तिल है इसके होठों के ऊपर, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, आपके हो सकता है, इसके हो सकता है। ये बंदा आपके साथ ग्रो होना चाहता है, ये इंसान आपको फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी आँखें, आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ये आपके वीडियोस, पोस्ट, फीड्स सब कुछ देखता है ये। आप हेयर, कोई हेयर का काम करते हो, हेयर आर्टिस्ट हो, हेयर बनाते हो, यू कैन वर्क विथ सम हेयर सलून के साथ आप काम करते हो, यू नो पार्लर में काम करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं आपको, आपके फीड्स लाइक कर देते होंगे, यू नो कोई फेक आईडी से कर देते होंगे या फिर एक दूसरी आईडी से करते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड जो ये स्टबर्न हरकतें कर रहे थे या फिर ये बहुत ज़्यादा ज़िद्द कर रहे थे, उस ज़िद्द से निकल के अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, और नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं। इनडिसाइसिव थे ये इंसान अब तक, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो कहीं ना कहीं, ये दिखाते नहीं होंगे, शो नहीं करते होंगे ये इंसान, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं इस इंसान को
बहुत पसंद करते हो और ये भी आपको बहुत रेस्पॉन्स देते होंगे कहीं ना कहीं, ओके ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपके क्रशिंग ऑन कर रहे होंगे या आप कर रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। आपको इनसे एडमायर कर रहे हो, ये भी आपको एडमायर कर रहे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बट ये जो इंडिसाइसिव है इज बिकॉज ऑफ इस वर्क ओनली, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो डेफिनेटली ये बंदा अबंडेंट होके जैसे ही ये आपके कॉइन्स पे काम कर लेगा, ये आपकी तरफ आ जाएंगे, ओके, और आपको आपकी सारी विशेष पूरी करना चाहता है, ये बंदा आपको पूरी दुनिया देना चाहता है, ओके, इसीलिए ये मेहनत कर रहा है, तो इसीलिए अभी डिसाइड कर, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता अभी बिकॉज इसने कोई बिजनेस किया होगा जिसको ये ग्रो करना चाहता है, ठीक है। तो आप इसको टाइम दीजिए, ये इंसान आपके साथ अपनी सारी विशेष को पूरा करना चाहता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। यही मैसेज यहाँ पे आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, तो यू आर लाइक वेरी वेरी इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशन से काम करते हैं, रोते होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशन शो करते हैं इस इंसान को, जो ये इंसान है जी की प्रैक्टिकल है, ओके, और आप हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, ये इंसान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करता है अभी, ठीक है, ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, रो रहा है आपके लिए, इसके आंसू निकल रहे हैं आपके लिए, ओके। दिस पर्सन यूज़ टू बैंग करता होगा you know, अपने ऑफिस के टेबल पे, क्योंकि ये आपको पा नहीं पा रहा है, ओके, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, आप इसको शायद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या फिर आपकी बातचीत बंद है, तो बैंग करता होगा, कोई चीज़ ऐसे फेंक देता होगा, इसको गुस्सा आता है, अनकंफर्टेबल तो फील होता है इसको, बहुत रोना भी आता है, ये बहुत ज़्यादा सैड भी फील करता है आपके लिए, ओके। बट कहीं ना कहीं ये किसी थर्ड पार्टीज में हो सकता है, किसी क्वीन ऑफ कप्स के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, पहला कार्ड रिंग था, तो ये किसी थर्ड पार्टी में किसी के साथ डील कर रहा हो जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, ओवर ड्रामेटिक, मैरिड हो सकता है ये बंदा सन के साथ, ठीक है, तो मैरिड या दूसरे रिलेशनशिप में हो सकता है और आप इसको क्रशिंग ऑन कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, और ये लेडी इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, इसको अपनी तरीके से रखना चाहती है और ड्रामा करती होगी, चिल्लाती होगी रात को, बहुत लड़ाइयाँ होती होंगी, बर्थडे पार्टीज़ का ड्रामा करते होंगे ये लोग, दो बेटियाँ हो सकती हैं इनकी, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है, इनकी दो डॉटर्स हो सकती हैं छोटी छोटी, ओके। तो ये इंसान उस ड्रामे से निकलना चाहते हैं, दिस पर्सन वांट टू कम आउट ऑफ द ड्रामा समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, सन के साथ ये आपको यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है, आपको भगा के ले जाना चाहते हैं कहीं दूर, ओके, दिस पर्सन वांट टू टेक यू समवेयर, ओके, बहुत दूर भगा के ले जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनी एरिया हो, कि आप इस इंसान की सन है, यू आर दिस पर्सन सन, सन की जो लाइट होती है, आप इसका थर्ड आई चक्रा ओपन करते हो, ओके, इसको यूनिवर्स के साथ जोड़ते हो, इसको प्लैनेट्स के साथ जोड़ते हो, इसको इसकी इसकी खुशी हो आप, इसकी हंसी हो, इस इंसान की हैप्पीनेस हो, इस इंसान की जॉय हो आप, ओके, आपको देख के खुश होता है, आप शायद स्कर्ट्स और ऐसे ड्रेसेस पहनते हो जो बहुत मेस्मराइजिंग लगता है इसको, आप कुछ भी पहने इसको बहुत अच्छा लगता है, आप तैयार होते हैं ना, जब तैयार होकर वीडियोस बनाते हैं, फोटोग्राफ्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस इंसान को बहुत खुशी होती है, ही फील्स वेरी हैप्पी, ओके। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जहाँ पे भी किसी के साथ भी है वहाँ ये खुश नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ओके। आपकी जो ब्यूटी है ना उससे स्मिटन बाय है ये, ओके, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड है ये आपकी खूबसूरती में, आप जैसे भी हो, ओके, कम्प्लीटली ब्लाइंड है ये आपकी तरफ, ही इज़ वेरी स्मिटन बाय योर फ्लॉज, आपकी बॉडी का फ्लॉ देख के बहुत यू नो हैप्पी है ये, बहुत खुश हो जाता है, ओके, ये बिलीव नहीं कर सकता कि इतना प्यार करता है ये इंसान आपसे, ओके, अगर कोई इश्यूज है ये उस पर काम करना चाहता है, वर्क करना चाहता है कहीं ना कहीं, इसके लस्टफुल थॉट्स भी हैं आपके लिए मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका कार्ड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव बातें बोलनी है, नेगेटिव बातें अपने माइंड में लाना नहीं है, ओके। फ्लावर्स अगर आप भगवान जी को चढ़ा सके, ये लड़की ऑफरिंग कर रही है यहाँ पे भगवान जी को, ठीक है, अगर आप फूल माला चढ़ा सके भगवान जी को तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो
आंसर्स मिलेंगे आपको। आपको फेथ रखना है ये बंदा आपकी तरफ आ जाएगा और आपको ये रोमांस रोमांटिक रिलेशनशिप मिल जाएगा, आपकी तरफ वापस आ जाएगा अगर आप बात नहीं करोगे। एट पीपल न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। देखिए यहाँ पे ये बंदा तो आ ही रहा है, नए लोग भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ओके कोई नया कनेक्शन भी आ सकता है, नहीं तो ये कनेक्शन एकदम न्यू है, अभी आप मिले होंगे, ओके मुझे लग रहा है दिसंबर में आप मिले होंगे, आपने पहली बार एक दूसरे को देखा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में यू जस्ट हैव सीन दिस पर्सन, ओके पहली बार आपने देखा होगा इसको, आप इसको जानते नहीं हो शायद, इसको हैट लगाने का शौक हो सकता है, नहीं तो ये बंदा न्यू तरीके से आपकी तरफ आना चाहता है, चेंज हो गया। ये पेंटर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, आप हो सकते हो, आपको पेंटिंग का शौक हो, तो ये न्यू तरीके से आपकी तरफ आना चाहता है, इस कनेक्शन की तरफ आना चाहता है, ओके अपने दोस्तों से हेल्प भी ले सकता है क्योंकि यहाँ पे तीन है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, किसी और के साथ डील कर रहा हूँ। एम्ब्रेस योर इमोशंस, आप बहुत इमोशनल हैं, यहाँ पे भी यूनिकॉर्न है, आपके उसमें भी यूनिकॉर्न आया था, तो कहीं ना कहीं आप इसको हीलिंग देते हो, ओके आप इसको खुश करते हो, ये बेबी की तरह सो सकता है, ओके इसको नींद आती है आपकी बातों से, इसको बहुत खुशी होती है, इसको शांति मिलती है इसके मन को, अगर इसके पूरे दिन में इसने बहुत ज़्यादा टेंशन देखा है अपने काम में और आपकी पिक्चर देख लेगा ना, तो इसको नींद आएगी, इसको शांति मिलेगी, इसको एक सांत्वना मिलेगी इसके मन ही मन में, ओके आप इसको सांत्वना देते हो अपनी बातों से, अपने पोज से, अपने चेहरे से, आपका मासूम बेबी फेस हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ओके अपने इमोशंस को सरफेस पर लाए और एक्सेप्ट करें कि आपको रोना आ रहा है तो रोइए, बट बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए, ओके 18 आपका बर्थडे हो सकता है इस इंसान का, हो सकता है 8 आपका बर्थडे अगस्त में आता हो, 9 इनका बर्थडे, 1 इनका बर्थडे, 7 इनका बर्थडे, 1 या ये सारे इनके बर्थडेज हो सकते हैं, ओके अगस्त में इनका बर्थडे आता हो। आपके स्टिकर की तरफ शेल्फ का स्टिकर है, माई मूड बिफोर आई सी यू एंड आफ्टर आई सी यू, तो जब बिफोर जब पहले वो देखता है तो उसका मूड ऐसे होता है, जब वो आपको नहीं देख पाता, ओके जब आप नहीं हो, इसके आसपास नहीं हो, लाइव स्ट्रीम्स पे नहीं आ रहे, फोटोग्राफ्स नहीं डाल रहे, पोस्ट नहीं कर रहे, अपने घर चले जा रहे हो, तो इसका मूड ऑफ हो जाता है। इसने आपके फ़ोन का एक्सेस लिया होगा, इसको सब पता है आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किधर तक पहुँचे हो, सब पता होगा इसको, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विद यू आफ्टर आई सी यू, जब आपको ये देख लेता है, आपका कोई पोस्ट आता है, आप वीडियोज़ डालते हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसको बहुत खुशी होने लगती है, बहुत हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, कुर्की हो जाता है, आपकी कुर्की बातें भी इसको बहुत पसंद होगी, ठीक है। तो आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ अगर हम चले तो पहला मैसेज है वर्शिप, ये बंदा आपको वर्शिप करता है, पूजा करता है आपकी, आपके पैर छूना चाहता है, ओके दिस पर्सन वांट टू टच योर फीट एंड वर्शिप यू, आप भगवान लगते हैं इसके, ओके भगवान जैसे मानता है आपको, ठीक है आप देवी हो, देवी माता रानी हो आप इनकी, ओके माई लव फॉर यू इज अनकंडीशनल एंड एटर्नल, इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत अनकंडीशनल एटर्नल लव है, ओके बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, इजिप्ट से आप एक दूसरे को जानते होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इसको लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गहरा है, डीप है, एटर्नल है, ना ख़त्म होने वाला, इन्फिनिटी का सिंबल आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, इन्फिनिटी तक ये ख़त्म नहीं होगा रिश्ता, मैरी मी प्लीज़, दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड टू यू, शादी करना चाहता है आपसे ये, ठीक है। आप इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, आपकी बातों से इसका कॉन्फिडेंट होता है ये बंदा, ठीक है। यस ये थर्ड पार्टी इसको छोड़ना चाहता है, ठीक है, आपसे शादी करना चाहता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ब्यूटीफुल, इसकी एक डॉटर हो सकती है, दैट्स पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, ब्यूटीफुल, आप इस इंसान के लिए बहुत ब्यूटीफुल हैं, यू आर वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल, सुंदर, सब कुछ है आप इस इंसान के लिए, ठीक है। आपको देखिए खुश हो जाता है ये, ठीक है, आपका चेहरा इसको बहुत पसंद है, आपके डिम्पल्स आते होंगे, दैट्स पॉसिबल, आपके फेस पे कोई तिल हो सकता है जो इसको बहुत पसंद है, ठीक है, आप इसको ब्यूटीफुल लगते हैं, ओके एडमायर करता है, आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, दिस पर्सन इज एन एडमायर, ये आपका कोई एडमायरर है बहुत बड़ा वाला, ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी मच एडमायरिंग यू, आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी क्रश भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एडमायर करता है आपकी खूबसूरती को, आई लव यू, दिस पर्सन लव्स यू, केयर, ये आपको बहुत प्यार करता है गाइस, दिस पर्सन लव्स यू, केयर, आपकी केयर करता है, आपको बहुत चाहता है,
दिखाता नहीं है बट मनी मन करता है. ओके, यू आर एप्पल ऑफ माई आई. इस इंसान की एप्पल है आप, इनकी आँखों का यू नो सेब है आप. ओके, इनकी आँखों का तारा है, सब कुछ है. यू आर एवरीथिंग. ओके, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्वीट. बेटर हाफ, ये आपको अपना बेटर हाफ बनाना चाहता है. इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए. ओके, दिस पर्सन ऑल गेट मैरिड टू यू. आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है. आई वैल्यू यू. ये आपको आपकी वैल्यू समझता है. ये आपको कोई भी नहीं समझता होगा बट ये इंसान आपकी वैल्यू समझता है. पूरी दुनिया आपके बारे में गलत बोलेगी ना बट ये बंदा बोलेगा नहीं नहीं वो बहुत अच्छी है. ओके, मन ही मन में अपने दोस्तों के सामने बोलता होगा शी इज़ वेरी गुड, आई वैल्यू हर. ओके, अब इसको स्पिरिचुअल बनाते हो, रिलीजियस से स्पिरिचुअल बनाते हो इस बंदे को. वैकेशन, ये आपके साथ वैकेशन पे जाना चाहता है, कहीं घूमने जाना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लॉन्ग जर्नीस लेना चाहता है, फॉरेन कंट्रीज जाना चाहता होगा. ये ऐसा पॉसिबिलिटी है. एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे सन साइंस इसके हो सकते हैं. ओके, कब तक ये आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे? विद इन अ फ्यू मंथ्स. बहुत जल्दी ये कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कुछ महीनों में ये आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपसे रेजिनेट हुआ होगा. सो दिस वॉज योर रीडिंग. चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. हाई, वेलकम बैक पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी ये टॉरस को चूज़ किया, आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो मुझे ऐसा दिख रहा है. एंजल्स यहाँ पे हैं तो एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने एंजल्स को टच किया है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता, मुझे ऐसा दिख रहा है. ये बहुत ज़िद्दी बच्चा हो सकता है, इसको गुस्सा तेज आता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाता है, दोस्तों से भी नाराज़ हो जाता होगा, लड़ाई करता होगा आपसे लड़ता होगा, आपको रुला देता होगा ये. ओके, इसके अंदर वो पावर है, मैनिपुलेटिव हो सकता है ये बहुत. इसने अगर ठान लेना ये आपको पाके रहेगा तो ये आपको पाके रहेगा कहीं ना कहीं, ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, अगर इसने सोच लिया ना आपसे शादी करेगा तो आपसे ही करेगा, ये कहीं नहीं जाएगा. ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकता है कि जिससे कि इसकी शादी आपसे हो जाए, समथिंग लाइक दैट. या ये आपके पास रहे हमेशा, आप इसके पास रहो. इसको मैजिक्स आता होगा, ये स्पेल करता होगा आप पे, मैजिक्स करता होगा कि आप इसके आस पास रहें, इससे दूर ना जाए कहीं पर भी. ओके, अगर आप इसे दूर चले गए तो ये आपको वापस बुला लेगा. ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट पे आपके मम्मी पापा रहते हैं और आप चले जाते हो बार 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 बार, तो ये आपको अपने पास बुला लेगा. ठीक है, वापस आप कहीं और जॉब करते हैं तो ये आपको बुला लेगा. ऐसा इंसान है, मैजिक्स इसको आता होगा, प्रे करता होगा, एफर्मेशंस करता होगा आपके लिए कहीं ना कहीं. इसका वो देख लेते हैं, नाम का इनिशियल देख लेते हैं. जी इसके नाम में कहीं ना आता होगा, टी इसके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, पी इसके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, एन आता होगा, एस आता होगा. ठीक है, आपके में ज़्यादा डाइस निकालने के लिए बोला तो मैंने निकाल दिया, आर्कएंजल माइकल ने बोला तो आई हैव पिक्ड इट अप. तो देख लीजिएगा, इनका नाम ऐसे हो सकता है, पॉसिबल दिस पर्सन कैन बी मुस्लिम, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. ओके, ठीक है, इनकी बियर्ड हो सकती है, इनकी मुस्ताच हो सकती है, इनको मूछ रखने का शौक हो. ओके, या फिर हल्का लाइट यू नो बियर्ड रखने का शौक हो, हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का. ठीक है, क्लीन शेव नहीं पसंद होगा इसको, इसको पसंद नहीं होगा शायद. ठीक है, माय गॉड, डिटेक्टिव, ये बंदा डिटेक्टिव हो सकता है. ठीक है, ओनली फॉर फ्यू पीपल. नहीं तो ये बंदा आपको स्टॉक करता है. आप देख सकते हो उसके हाथ में एक वो जो डिटेक्टिव्स के हाथ में होता है ना चेक करने का, बहुत बारीकी से चेक करने का वो चीज़ होती है. आपको बारीकी से देखता है, आपके फ़ोन का एक्सेस लिया हुआ इसने. ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, देखता ही रहता है आप क्या क्या करते हो, आपके घर के आसपास आके देख सकता है आप ठीक हो कि नहीं हो. आपको आपको क्लोज नोटिस में है, मतलब आप इसके क्लोज नोटिस में हो कि हमेशा ये आपको चेक करता रहेगा आप कर क्या रहे हो. ओके, ही विल बी लाइक कॉन्टैक्ट में रहेगा ये आपके, क्योंकि इसको कॉन्टैक्ट में रहना है आपके साथ, इसको जानना है आप क्या कर रहे हो अभी राइट नाउ, क्या कर रहे हो ये भी जानना है इसको. एक और ले लेते हैं, इसको गार्डनिंग करने का बहुत शौक होगा. अर्थ साइन हो सकता है कोई, जैसे टॉरस था तो अर्थ साइन टॉरस रो कैप्रिकॉर्न. इसको यू नो गार्डनिंग करने का, पानी देने का, इनको ख्याल रखना, यू नो प्लांट्स का, ये सब पसंद होगा. इसके घर में एक बहुत बड़ा लॉन हो सकता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं इसकी बालकनी में, वहाँ पे इसने रखा होगा, उसको पानी देना, उसका ख्याल रखना, ये सब इसको पसंद होगा.
ओके, वेरी ग्राउंडेड बंदा। ओके ये मुझे इसीलिए हंसी आ रही है क्योंकि ये बंदा शक्की है, ठीक है, मुझे लग रहा है, ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी वेरी शक्की, ये बहुत शक करता है आप पे, इसको लगता है आप कुछ और कर रहे हो घर में बैठ के या फिर ऑफिस में जाके या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, इसको शक होता है, ये क्लोज नोटिस में रखना चाहता है आपको, ठीक है, इसको लगता है कि आप इसको हार्म दे रहे हो या फिर ये आपको हार्म करेगा, ऐसा इसको आप इसको लगता होगा कि कोई आपको आपके साथ बुरा करना चाहता है, तो ये आपको बचाना चाहता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो सकता है अपनी बातों से, आपके रेपुटेशन को ख़राब किया हो सकता है इसने, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया होगा, कुछ ऐसी बातें फ़ोन पे इसने बोली होंगी या वैसे जनरली बोली होंगी, आपके मुंह पे बोली होंगी कि कुछ भी आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी गलत बोला हो सकता है इस बंदे ने। ओके, गॉसिप से भी बचाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके दोस्त आपके बारे में गॉसिप करते होंगे या इसके दोस्त आपको पसंद नहीं करते या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, जो भी है, या फिर आपके बारे में कुछ गॉसिप से सुनता है लोगों से कि ये बंदी ऐसी है, ये बंदा ऐसा है, इसके ये इससे बात करता है, उससे बात करता है, ये इस कुछ लोग हैं आपके अगेंस्ट हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जिस वजह से ये डिसअपॉइंट हो जाता है हमेशा, ठीक है, इसको बहुत बुरा लगता है कि आप अगर किसी और का नाम लेंगे इसके सामने तो इसको बहुत बुरा लगेगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अभी राइट नाउ, ये सारे गॉसिप्स की वजह से लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं आपके खिलाफ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में ऐसे बैठ के, अपने इनके घर में एक सोफ़ा हो सकता है ऐसा ग्रे कलर का, या फिर कोई काउच हो सकता है बैठने का, कोई कुछ कुछ भी एनीथिंग बेड हो सकता है जो भी है ग्रे कलर का, ठीक है, ये बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है वो सारी बातें सोच के, इसको बहुत ज़्यादा रोना आता है, दुखी होता है ये, ठीक है, इसको ये गॉसिप वॉसिप पसंद नहीं है आपके बारे में, ये कुछ नहीं सुनना चाहता आपके बारे में, कोई रॉन्ग वर्ड्स नहीं सुनना चाहता क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है, बट शक भी करता है आप पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, टॉरस है तो शक करेगा 100% किससे बातें करती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, ओके, ये सारी चीज़ें इसके मन में चलती हैं, रोमांटिक, ये बंदा आपको किस करना चाहता है, दिस पर्सन वांट टू, ओके, दिस पर्सन वांट टू किस ऑन योर चीक्स, आपको आपके कानों पे किस करना चाहता है, यू नो, ये आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, इसके मन में बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, बताता नहीं है बट है इसके मन में, आपको रोज़ेस देना चाहता है, ओके, इसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार आता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स आती हैं इसको, इसके बियर्ड हो सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसको ऐसे ये वाले सूट्स पहनने का बहुत शौक होगा, ओके, ये जब भी आपसे बात करता है ना खुश हो जाता है ये, ओके, आपकी हंसी इसको बहुत पसंद हो सकती है बहुत ज़्यादा, ओके, आपकी हंसी के बारे में सोचता रहता है, आपकी आँखें बहुत पसंद हो सकती है इसको, नशीला पदार्थ हो आप, ओके, लाइक अ ड्रग, आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इसको आपकी आँखें बहुत पसंद है, आपकी हंसी आपके चेहरे के बारे में सोचता है, आपको देखता रहता होगा, ओके, आप लाइव स्ट्रीम्स आते हो, वीडियोज़ करते हो, फोटोज़ डालते हो, ओके, इस इंसान को बहुत अच्छे लगते हो आप, रोमांटिक फीलिंग्स आता है इसके मन में, ठीक है, ये डिटरमाइंड है ये बंदा, ये आपकी तरफ डिटरमिनेशन है इसका कि ये आपके साथ रहना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, आपको रोमांस करना चाहता है, ओके, इसका फोकस कहीं और नहीं है, इसका फोकस आप पे है। कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल कपल्स हो सकते हो आप, एक ब्लैक एक वाइट, लेकिन इस इंसान की नज़रें बिल्कुल आप पे ही हैं, ऐसा नहीं है कि इफ़ एट ऑल कोई और कुछ बोल रहा है, ये डिसअपॉइंटेड है उस बातों से भी, कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिटरमाइंड, आपकी तरफ आना चाहता है, ओके, इसके इसने अभी डिसाइड कर लिया है कि यू नो बाई हुक और क्रूक ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है, एंड ये सक्सेसफुल होना चाहता है इस रिलेशनशिप में, इसको सक्सीड करना चाहता है, इवन इफ़ इसमें डिफ़िकल्टीज हो, मींस अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में गाली गलौज होती है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी ये बंदा डिटरमाइंड है, उन चीज़ों पे वर्क करने के लिए रेडी है, ओके, इसको अब कोई नहीं रोक सकता, ना कोई मलिशियस बातें रोक सकती, कोई डिसअपॉइंटमेंट्स रोक सकता है, आपके ब्लॉकिंग करने आपका ब्लॉक करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दूसरा नंबर क्रिएट कर लेगा, नया नंबर खरीद लेगा, आपको नए नंबर से मैसेज करेगा, ये बिल्कुल ही डिटरमिंड है, ना ही ये बंदा वीक है, ना ही ये बंदा अनसर्टन है, इसने अपना मन बना लिया, बिल्कुल यही दिख रहा है मुझे यहाँ पे,
एंड ये आपको स्टॉक करता है कहीं ना कहीं, डिटरमाइंड है तो स्टॉकिंग है यहाँ पे, प्लेयर एथलीट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसको क्रिकेट खेलने का, गेम्स खेलने का बहुत शौक होगा, बड़ी बड़ी आंखें हो सकती है इसकी, इट्स पॉसिबल के। एनी विच वे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या आता है। दिस पर्सन क्राइज फॉर यू, क्या ये रोता है आपके लिए। चश्मा पहनने का इसको शौक होगा, ऑफिस में ऑफिस स्पेस है, यहाँ पे माउस रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस में ये आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, जब काम कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तब याद करता है आपको। एंड ही इज़ लाइक यू नो, ब्लू कलर की शर्ट होगी इसके पास, चेक भी हो सकती है, ब्लू वाइट ये सारे इसके फेवरेट, ब्लैक ये सब फेवरेट कलर्स हो सकते हैं। तो ही थिंक्स अबाउट यू इन द ऑफिस टाइमिंग्स ऑल्सो, आँखें बंद करके रोता भी होगा कभी कभी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये बंदा आपके लिए वरिड है बहुत ज़्यादा, इसको फिकर होती है कि लोग आपके बारे में जब बातें बनाते हैं, इसको वरी होता है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अकेले क्या कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा है। ओके, इसको वरी है आपकी, इसको चिंता है, ये चिंतित रहता है आपके लिए, अफ्रेड रहता है, इसको डर लगा रहता है आपको कहीं खो ना दे। ओके, समथिंग लाइक दैट। और ये ना नर्वस भी रहता होगा, आपके सामने से जाएगा तो इसको नर्वसनेस होती होगी, मीन्स आपको वो दिखेगा इसके हाथों में, इसने अपने दोनों हाथों को you know, एक साथ रखा होगा, you know, आपके सामने नर्वस फील होगा इसको स्टार्टिंग में जब आप मिले होंगे तब की बात बता रही हूँ। बट देखिए, ये ईगरली कुछ करना चाहता है, ईगरली एक्शन लेगा बहुत जल्दी फटाफट से। ओके, बेशक ये वरिड है, नर्वस है, जो मर्जी हो, बट एक्शन ओरिएंटेड है ये बंदा। तो कुछ टाइप का डिस्ट्रेस लगता है कभी कभी, इसको लगता है कि you know, आप किसी डेंजर में हो या फिर मिसफॉर्चून हो जाएगा, आपको खो देगा या समथिंग लाइक दैट, बट उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये एक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत वर्कहॉलिक बंदा हो सकता है, बहुत काम करता होगा, मेहनती हो सकता है, हमेशा काम करता रहता है, ऑफिस में बिजी रहता होगा 24/7, कॉल सेंटर हो सकता है इनका, दैट्स पॉसिबल, या दैट्स व्हाट आई कैन सी। ओ भैया, आपका कार्ड है 10 of Swords, वो भी मलिशियस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत सारे लोगों ने मिलकर तुड़वाया है। 10 of Swords, ये रीडिंग मैं पूरा कर चुकी थी, बीच में कैमरा बंद हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट किए हुए हैं, एंड आपका रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया इन लोगों ने मैनिपुलेशन से, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। आपकी ये लड़की अकेली खड़ी है, आप अकेले खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा you know, कुछ बोला हो सकता है, एनीथिंग दैट जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया हो, इस इंसान ने कुछ बोला हो सकता है, आपको रुला दिया हो सकता है, लिटरली आपको रोना आ गया होगा इसकी बातों से। तो कहीं ना कहीं you know, आपको लगता है ये बंदा मलिशियस है, तो आपने इससे कट ऑफ कर लिया, इसने आपको कट ऑफ कर दिया है, जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, कहीं ना कहीं बात नहीं हो रही है, ठीक है। बट उस 10 of Swords से ये बंदा 7 की एनर्जी में आना चाहता है, चैरिट की एनर्जी में आना चाहता है। चैरिट एक ऐसा इंसान है जो एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। सो ये इंसान के पास एक कार हो सकती है, एक वाइट कलर की बाइक हो सकती है, ब्लैक कलर की बाइक हो सकती है, इन्होंने नई गाड़ी खरीदी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, जो भी है, स्कूटी हो साइकिल हो, जो मर्जी हो इनके पास, ठीक है। इंसान आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, कुछ लोगों के लिए NRI हो सकता है ये इंसान। तो ये अब एक्शन मोड में आ रहा है, आप देख सकते हो इस चैरिट में बैठ के, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, इसीलिए लोग आपकी रिलेशनशिप में बीच में हैं, वो आपका यूनियन होने नहीं देंगे। आपको पता होगा लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी का यूनियन उन्होंने होने नहीं दिया, लोगों ने ही नहीं होने दिया, राइट। तो आपका यूनियन कैसे होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, उनको जो इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप नहीं मिलेगा तो वो कैसे आपको दे देंगे वो। यहाँ पे फैमिलीज का इंटरफेरेंस हो सकता है, यहाँ पे लोगों का, दोस्तों का इंटरफेरेंस, कलीग्स का स्पेशली, ठीक है। कलीग्स ये बार बार यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है। साथ में काम करने वाले लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, स्पेशली एक लड़की का इंटरफेरेंस हो सकता है या एक लड़के का, ठीक है। बट ये बंदा विलपार्ड होकर आपकी तरफ आना चाहता है, ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड है, आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहता है, मुझे ऐसा ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6 of Wands, ये किसी स्पॉटलाइट में हो सकता है, ये बंदा बहुत ही पॉपुलर फेमस, आप किसी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलर है, या ये लड़का आपको देखता है कि आप पॉपुलर है, ये लड़का देखता है कि आप पॉपुलैरिटी
गेन कर सकते हो, आपके अंदर वो जिस्ट है, आपके अंदर वो बात है। तो कहीं ना कहीं इसको लगता है ये आपको जीतना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, आपके साथ जीतना चाहता है आपको। शायद ये आपको खो चुका है, अभी आपको जीतना चाहता है। दिस पर्सन वांट टू विन यू, ओके, आप इसकी जीत है। यू आर दिस पर्सन्स यू नो विक्ट्री। ये आपके साथ मैरिज भी करना चाहता है, आपको लोगों से मिलवाना चाहता है, स्पॉटलाइट में लोगों से मिलवाना चाहता होगा। ये काफ़ी फेमस हो सकता है, तो ये काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहता होगा, कोलैबोरेट करना चाहता होगा आपके साथ। जो भी है, नहीं फेमस भी नहीं है तो भी ये आपको बहुत फेमस देखता है, आपको स्पॉटलाइट में देखता है, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं देखता है। इसको इससे जेलसी भी होती है मुझे ऐसा दिख रहा है। रोमांटिक होता है, ये देखता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, रोमांटिक ऑप्शंस है, बट आप अपने काम में बहुत ध्यान दे रहे हो। ओके, तो डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी से निकलना चाहता है और आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहता है। बट इसका डिटर्मिनेशन तोड़ते हैं कुछ लोग, ये सात दोस्त हो सकते हैं इसके, ठीक है, वो आपके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, या फिर ये सात फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं इसके, इसके फैमिली के लोग जो इसके घर में रहते हैं। इनके पास बहुत बड़ा बंगला हो सकता है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो इसने दिखाया होगा, ये बंदी मुझे पसंद है, ये स्पॉटलाइट में है, लाइक ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट इसके फैमिली के लोग नेगेटिविटी बोलते हैं आपके बारे में, इसके दोस्त, इसके कलीग्स, इसके कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो सब। तो इस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये नेगेटिविटी सुनना नहीं चाहता कहीं ना कहीं, ये डिटरमाइंड है। अब आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा, स्टिल दिस पर्सन विल कम टू यू। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये भाग के आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। इसके पास वाइट हुडी हो सकता है, ब्लैक कलर का पैंट, इसकी हाइट कम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लंबा हो सकता है किंग, ये सिक्स ऑफ वॉर्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए इसकी हाइट कम है, ओके। एनी विच वे, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये आपके लिए बहुत टेंशन लेता है बंदा। एक ही ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन लेता है, वो है ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं अभी, ठीक है। ये आप कोई मैथमेटिक्स टीचर हो सकता है, मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट, विट्टी, स्मार्ट हो सकता है, ओके। तो आप अपनी लाइट देते हैं, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ओके, इसका दिमाग खुलता है आपसे बात करके। इससे आपसे एक दिन भी बात ना हो तो इसके बस की नहीं है, ये रह नहीं सकता है, पागल हो जाएगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इसका गला ऐसे लंबा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हाँ, इसकी पलकें बहुत कर्ली हो सकती है, नोस में नोस पिन पहनती हुई लड़की एज पॉसिबल, ये टेंशन लेते हैं आपके लिए। इन्फिनिटी साइन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। स्पिरिचुअलिटी का टैटू इसके उंगलियों में हो सकता है या फिर इसके बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। एनी विच फेस, जो भी हो, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है, इसको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपके साथ फैमिली चाहिए, ये भी मैसेज आ रहा है, ये अब आपकी तरफ आने वाला है। नो मैटर व्हाट, ये डिटरमाइंड है और ये डेफिनेटली यू नो सोच समझ के कुछ प्लान करके आपकी तरफ आएगा कि जिससे कि चीज़ें बेहतर हो सके आप दोनों के बीच में, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है कोडिपेंडेंट, ये बंदा कोडिपेंडेंट है आप पे, ये आपको नहीं छोड़ सकता। आपकी ऐसी कोई फ़ोटो हो सकती है काउच पे, इसके पास आपकी सारी फ़ोटोज़ सेव्ड होंगी, अगर आपने इसको इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है, कहीं से भी डिलीट कर दिया है आपने, इसको सब जगह से हटा दिया है या ब्लॉक कर दिया है या इसने कर दिया है, जो भी है, इसके पास आपकी पिक्चर्स है, वो पिक्चर्स ही देखता रहता है, ओके, उन पिक्चर्स पे किस करता होगा, उन पिक्चर्स को प्यार करता होगा, सराहता होगा, आपका चेहरा इसको बहुत पसंद है, आप दोनों की सेम शक्लें हो सकती हैं चैरियट के साथ, सेम फेस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ही इंटेलिजेंट, दोनों ही बहुत पढ़े लिखे हो सकते हो, दोनों ही स्पॉटलाइट में हो सकते हो, या एक बंदा हो सकता है, आप देख लीजिएगा जैसे भी, जो भी है, इस एडिक्शन से इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, ये ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ डील करता हो, दोस्तों के साथ ड्रिंक करता हो बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ भी एडिक्शन हो सकते हैं इसको, तो इसको उस पर चेंज करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल एक को डिपेंडेंट है ये आप पे, पूरा डिपेंडेंसी है पूरा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है, मुझे जलन हो रही है, मैं आपको किसी और से बात नहीं करने दूंगा, काम नहीं करने दूंगा, ऐसा एक रिलेशनशिप हो सकता है या आप ऐसे करते हो इसके साथ, तो वो हटा दीजिए, कोडिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है। आपके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इवेंट्स, किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हो सकते हो आप दोनों, या फिर इवेंट्स पे मिले हो, तो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़ा चलता है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ये सुधारना चाहता है। ये फॉरेन कंट्री से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, एनी विच वेज, बैक टू व्हाट यू लव, कहीं नहीं जा रहा ये बंदा, अगर आपको लग रहा है ये जा चुका है आपके जीवन से, अब आपके पास वापस नहीं आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, यहाँ पे सन है, ये लड़की सन की तरफ भाग रही है, आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट, आई गेस यू कैन सी दैट,
ये भाग रही है इस रास्ते से, ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपके पास ही रहेगा, ये अगर इसने अपना घर चेंज कर लिया था ये वापस आ जाएगा आपके घर के आसपास, ठीक है, ये नहीं दूर रह सकता आपसे। दिस पर्सन कैन नेवर लीव यू, ओके, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस पर्सन कैन नेवर यू नो आपसे दूर या बर्दाश्त नहीं है इस इंसान को, ठीक है। रीवैल्यूएट योर डिज़ायर्स, इसकी डिज़ायर हो आप डेफिनेटली रीवैल्यूएट करके आपकी तरफ आ जाएगा, ओके। मतलब ही नहीं है कि आपको छोड़ दे, यू आर द बेस्ट थिंग हैव एवर हैपन टू मी, आप बेस्ट चीज़ हो जिसकी ज़िंदगी में आए हो, इसको अवेकन किया हो सकता है आपने अपनी बातों से, इसको स्पिरिचुअल बनाया हो सकता है, भगवान जी से कनेक्टेड करा हो सकता है, इसको एक नया सिरा दिया हो सकता है, जीने का नया सिरा, जो शायद पहले ये लेज़ी था, काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, कहीं ना कहीं आज ये काम भी करता है, सब कुछ करता है, ही इज़ वेरी यू नो एक्टिव, अपने ऊपर काम करता है, अपनी बॉडी पे काम करता है, सब कुछ करता है ये, आपकी वजह से ये बंदा बदला है, यू आर माई डार्लिंग। तो इसने अपने लाइव स्ट्रीम में आपके बोला हो सकता है कि दिस पर्सन, यू आर वेरी डियर टू दिस पर्सन, यू आर वेरी डार्लिंग टू दिस पर्सन, आप बहुत ज़्यादा इसके दिल के बहुत करीब है ये, ओके। यहाँ पे एक बर्ड आई है, तो वो बर्ड कुछ बोल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। आई वांट टू मेक बेबीज विद यू, इसको तीन बेबीज चाहिए होंगे, यहाँ पे तीन बेल्स बने हुए, इसको बेबीज चाहिए, दिस पर्सन वांट टू इम्प्रेगनेट यू, ओके, समथिंग लाइक दैट। इनको, इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है, आपको शायद पसंद नहीं है क्योंकि आपका पास्ट बहुत बुरा है, आपको किसी ने चीट कर दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि किसी एक बंदे को बच्चे पसंद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्लान अ पिकनिक विद मी, इसको पिकनिक ले जाना है आपको, ऐसी जस्ट किसी गार्डन में, जस्ट ऐसी कुछ बिछा दे, और ये इंसान आपके गोदी में लेटना चाहते हैं, और आपको वो चाहते हैं कि आप उनके बालों पे हाथ फेरें कि ये हील हो जाए, कि सब आपके हाथों में जादू हो सकता है, आप हीलर हो सकते हो, इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, डीप बातें करना चाहते हैं, ये इंसान काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, ओके। आई वांट टू फक यू, सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, पैशनेट रिलेशनशिप विद यू, इनको आपके साथ इंटीमेट होना है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, आने वाले वक्त में हो सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली, या मोस्ट आपके लिए टाइम पीरियड 1 month में ये इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में आप आ जाओगे, ओके। यू कैन मूव इन टुगेदर, अगर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं लिव इन में आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी रहते हैं तो मिलना जुलना शुरू हो सकता है। यू स्टोल माई हार्ट, आपने इसका दिल चुरा लिया, ये क्या कर रहे हैं आप? फाइल नंबर 2, लोगों के दिल क्यों चुरा रहे हैं आप, ओके। सो यू आर लाइक, आपने इसका हार्ट चुरा लिया है, तो ये डेफिनेटली आएगा आपकी तरफ। एडोरेबल, आप इस इंसान के लिए अडोरेबल हैं, ये अडोर करता है आपको, आपको देखने से रोक नहीं सकता अपने आप को। इस पर्सन कैन नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू 24/7, आप इसके दिमाग में चलते थॉट्स। लीब्रा जमना एक्वेरियस सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, कैंसर पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो एरीज लियो सैज, ये सारे सन साइंस तो है ही। ये थिंकिंग बहुत करता है आपके बारे में, ये अगर किसी इवेंट पे भी होगा ना तो फ़ोन पे लगा होगा, आपकी प्रोफाइल देख रहा होगा, क्योंकि इसको आपको देखना अच्छा लगता है, ओके, अडोर करता है ये बंदा आपको। आप कुछ हो, आप इसके लिए लकी चार्म हो, आप इसको मोटिवेट करते हो ज़्यादा काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, ओके। इसको खाली बैठने नहीं देते आप, और लाइफ टाइम विद यू, इसको आपके साथ एक ज़िंदगी चाहिए, आपने इसके जीवन को चेंज किया है, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, यू आर परफेक्ट, आप बहुत परफेक्ट हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कमियां हैं, इस इंसान के लिए आप परफेक्ट हैं, इसके हिसाब से आपके अंदर कोई कमियां नहीं है, इसको लगता है यू आर परफेक्ट इन एवरी वे, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी शक्ल हो, चाहे वो आपका ओवरऑल बॉडी हो, कैसे भी हो आप, इफ़ यू आर अ लिटिल बिट चबी ऑल्सो, इस इंसान के लिए आप परफेक्ट हैं, यू वेरी क्यूट, ओके। आई विल कॉल यू, ये इंसान आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा, आपसे बात करेगा, ओके। यहाँ पे पीछे ढोल बज रहा है, तो आपकी शादी हो सकती है इस इंसान के साथ, ओके। मिसिंग यू पिक टाइम, तो ये इंसान का चेहरा गोल हो सकता है, बहुत क्यूट हो सकता है, आप दोनों ही गोल चेहरा, सेम शक्ल, बड़ी बड़ी आँखें, बचपन में सेम फोटोज हो सकती है आपकी, घुंघराले बाल दोनों के, बहुत ही क्यूट हो सकते हो आप दोनों, ठीक है। ये इंसान आपको मिस करता है, आप जब लाइव स्ट्रीम्स ना आए या फिर फोटोज ना डालें या फिर कुछ भी पोस्ट ना करें अपने फीड पे, तो ये इंसान आपको, दिस पर्सन मिसेस यू, के बहुत ज़्यादा याद करता है आपको, इसको याद आती है आपकी। नेक्स्ट है यहाँ पे दिस ईयर, इस ईयर ये आपको कॉल कर लेगा, मैसेज कर लेगा, टॉक कर लेगा आपसे, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट कि मेरे को मैसेज नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं आ रहा, ओके, दिस पर्सन विल कम, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, थैंक यू सो मच, आई लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।